मेरा नाम रायचंद चौधरी है, मैं बाड़मेर जिले से एनएसआई जिला अध्यक्ष हूँ। रोष इस बात का है कि मुझ जैसा एक युवा कार्यकर्ता, कांग्रेस का कर्मठ सिपाही आदरणीय फतेह खान जी, जो पिछले 34 साल से कांग्रेस पार्टी अपने तन मन धन से सेवाएं कर रहे थे, आज उनको एक 32 साल के फल के रूप में एक निराशा हताशा मिली है। उस चीज़ का हमें रोष है कि अगर एक कांग्रेस पार्टी उस 32 साल के सिपाही को अगर ऐसा मैसेज और ऐसा तोहफा मिलता है तो हम जैसे आम कार्यकर्ता कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस पार्टी से हमारे कांग्रेस के लगातार 15 साल से रहे जिला अध्यक्ष फतेह खान जी के लिए हमने दावेदारी की थी। फील्ड में हो चाहे सर्वे के आधार पर हो, बहुत बड़े मजबूत थे। मजबूत होने के बावजूद, जीता उम्मीदवार होने के बावजूद भी युवाओं के साथ अज्ञात करके कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष जी का टिकट काट के सेम वो लचीलापन पार्टी का उसी आधार पे वापस दे दिया। इसके विरोध में आज काफ़ी सारे युवा साथियों में आक्रोश है, उन्होंने यहाँ पर टायर जलाकर धरना प्रदर्शन किया है। सारे युवा साथियों की एक आस थी कांग्रेस पार्टी से कि राहुल गांधी नई चीज़ें अपनाएंगे, नए आदमी आएगा, नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा इस पार्टी में काम करने के लिए, उससे आज लोगों को अज्ञात हुआ है, इसलिए यहाँ पर टायर जलाकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये चाहते हैं लगातार वाली परंपरा जो है, पार्टी जो लगातार एक ही आदमी को टिकट दे रही है, उसके विरोध में सारे लोग हैं कि किसी युवा को मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह खान जी ने बड़ी मजबूती के साथ दावेदारी की थी। दावेदारी में चाहे वो सर्वे के आधार पे हो, चाहे संगठन में काम के आधार पे हो, चाहे लोगों के आधार पे हो, सबसे वो मजबूत थे। मजबूत होने के बावजूद उनका टिकट काट कर पार्टी ने अपना जो पिछले 2018 का लचीलापन था उसी आधार पे टिकट दे दिया, इसलिए युवाओं में आक्रोश है। शिव की स्थिति तो आप देख लेंगे, अपन दिसंबर में रिजल्ट आएगा उस टाइम पता चल जाएगा क्या स्थिति रहेगी। कार्यकर्ता उत्साहित थे, कांग्रेस पार्टी से टिकट चाह गया था, लेकिन फैसला वही रट रटाया, पुराना वाड़ा आया, उस पर लोगों में नाराजगी तो है। कार्यकर्ता सब मेरे पास भी आए हैं, मेरे को भी कह रहे हैं कि आप कोई ना कोई इसमें फैसला लो, लेकिन कार्यकर्ताओं से बात चल रही है, अभी काफ़ी चीज़ें होनी बाकी है। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखने के लिए कार्यकर्ताओं से मैं बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ता हम मिलकर कोई ना कोई अच्छा निर्णय लें। कुछ समर्थक है, उनका कहना है कि फतेह खान निर्दलीय चुनाव लड़े और हम साथ में हैं, तो फतेह खान का क्या निर्णय आने वाला है? हम बैठ के बात करेंगे, जो उचित निर्णय और अच्छा निर्णय होगा। टिकट में उन्होंने क्या पैरामीटर रखे, क्या मापदंड रखे, उनका विषय है, उनसे अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है। बात होगी तब उनके सामने भी बात रखेंगे, लेकिन अभी जो कार्यकर्ताओं में गुस्सा और जोश है, इसके लिए ये सब मेरे पास आए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ।